लोकसभा 2019 चुनावी नतीजों के बाद सबसे चर्चित सीट के सीपीआई उम्मीदवार रहे कन्हैया कुमार इन दिनों एक बार फिर सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि बेगूसराय लोकसभा सीट पर गिरिराज सिंह के हाथों करारी हार झेलने के बाद कन्हैया कुमार राजनीति से काफी समय तक गायब रहे। ऐसे में अचानक कन्हैया कुमार सीपीआई पार्टी की तरफ से हाल ही में मैंगलोर जाकर युवा स्टूडेंट्स को संबोधित कर रहे थे। वहीं पर एक स्टूडेंट ने कन्हैया से साफ सवाल किया। स्टूडेंट ने साफ कहा कि अगर आप एक देश की बात करते हैं, अगर आप युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, अगर आप देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो फिर आपको जय हिंद बोलने में क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा कि जय श्री राम बोलने में आपको क्या दिक्कत है। इसके बाद कन्हैया कुमार थोड़ी देर शांत रहे। उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। कन्हैया कुमार ने साफ कहा कि हमारे यहाँ जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पर भगवान राम को गाली दी जाती है, क्योंकि हमेशा वहाँ पर राम जी की बारात आती है। मैं मिथिलांचल से बिलोंग करता हूँ और वहाँ पर अयोध्या से बारात आती है और हम बारात की खातिरदारी करते हैं। ये हमारे यहाँ की रस्म है कि जब बाराती आते हैं तो हम अपनी तरफ से बारातियों को परेशान करने के लिए शरारत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनका सम्मान नहीं करते। कन्हैया कुमार ने यह भी कहा कि अगर आप देश से प्यार करते हैं, अगर आप अपनी फिलॉसफी को आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए जय हिंद बोलने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इजाजत मुझे हमारा संविधान देता है, लेकिन उस स्टूडेंट ने साफ कहा कि जब आप एक देश की बात करते हैं तो फिर आपको जय हिंद तो कम से कम बोलना चाहिए। इसके बाद कन्हैया कुमार ने अपने अंदाज में जवाब दिया, अपनी फिलॉसफी बताई और पीएचडी को लेकर भी कई सारी बातें की, लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो जय हिंद कभी नहीं बोलेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि कन्हैया के दोबारा राजनीति में आने के बाद और कौन से नए नए पहलू राजनीति के देखने को मिलते हैं। द डेली न्यूज रूम से विनीत राय की रिपोर्ट।